कोलकाता के दक्षिणेश्वर में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये मंदिर 1855 को रानी रश्मोनी के द्वारा बनाई गई थी। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल हुगली रिवर यानी आदिगंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, जो कि मंदिर के शोभा और बढ़ा देती है। इसलिए ये मंदिर काफ़ी लोकप्रिय है। जो भक्त और टूरिस्ट दक्षिणेश्वर काली टेम्पल घूमने आते हैं वो गंगा स्नान जरूर करते हैं और बोतल में गंगा जल भर के ले जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पवित्र माना जाता है। दक्षिणेश्वर काली भवतारिणी और आदिशक्ति कालिका के नाम से भी परिचित है। नमस्कार दोस्तों, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल टूर में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दक्षिणेश्वर काली टेम्पल को आने जाने की कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के आसपास में और क्या क्या चीज़ है, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और अगर आप दक्षिणेश्वर काली टेम्पल में जाते हो तो और क्या क्या चीज़ का आनंद ले सकते हो। दोस्तों, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल को जाने के लिए बस, टैक्सी, ओला अवेलेबल है, मेट्रो भी अवेलेबल है। दोस्तों, सुबह कालीघाट टेम्पल में पूजा और दर्शन करने के बाद हमने कालीघाट मेट्रो स्टेशन से दक्षिणेश्वर काली मेट्रो स्टेशन के लिए रवाना हुए। कालीघाट मेट्रो स्टेशन से दक्षिणेश्वर काली मेट्रो स्टेशन की जो फेयर है वो 20 रुपीज़ है। हमारा टिकट कॉइन टाइप का था। फर्स्ट टाइम इन मेट्रो एंड आई एम सो एक्साइटेड। ये पूरा पुष्पा है, पुष्पा का बहुत बड़ा फैन है। ये भी तुझे ऐसे ही लग रहा है। हाँ। मेट्रो में काफी भीड़ था, लेकिन उसकी चिल्ड एसी की वजह से धूप और गर्मी से थोड़ा राहत मिला। हमने एस्केलेटर से नीचे गए, लेकिन बाहर जाने के लिए वो कॉइन टाइप का टिकट गेट के अंदर डालना पड़ेगा, तभी जाके गेट खुलती है। दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन में काफ़ी खूबसूरत आर्ट देखने को मिला। दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के स्टाइल में डिजाइन किया गया है। दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन के पास बहुत सारे होटल है जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। हमने वहाँ भेज थाली ऑर्डर किए थे, जिसका प्राइस 60 रुपीज़ पर प्लेट पड़ा। मंदिर के आसपास भी बहुत सारे होटल है, आप वहाँ पर भी खाना खा सकते हो। दक्षिणेश्वर काली माता की मंदिर दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन के पास में ही है। आप चाहो तो फ्लाईओवर से जा सकते हो, नहीं तो नीचे से चल के जा सकते हो। दक्षिणेश्वर काली मंदिर सुबह 6 बजे से 12:30 बजे तक और 3 बजे से 8:30 बजे तक ओपन रहती है। हम 2:30 बजे मंदिर के पास पहुंचे और मंदिर का गेट बंद था और मंदिर के पास काफ़ी भीड़ था। 3 बजे गेट ओपन होने के बाद हमने गेट पे एंटर किए। थोड़े दूर जाने के बाद लेफ्ट साइड में शू स्टैंड देखने को मिलेगा। 10 रुपीज़ देके आप वहाँ पे शू रख सकते हो। आप लगेज रूम में अपनी लगेज भी रख सकते हो। मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। मंदिर के सिक्योरिटी के लिए पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड तैनात है। मंदिर में एंट्री करते ही लेफ्ट साइड मेन मंदिर के साइड में एक राधा कृष्ण की मंदिर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ राधा कृष्ण पूजा पा रहे हैं। उनके बगल में महाप्रभु जगन्नाथ और देवा देवी की मूर्ति आप दर्शन कर पाओगे। मेन मंदिर को जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी। मुझे 20 मिनट लाइन में खड़े होने के बाद माता के दर्शन मिला। माता की मूर्ति सोने से बनाई गई है, आप देखोगे तो आपके मन भर जाएगा। माता के मंदिर और राधा कृष्णा मंदिर के अलावा भगवान शिव के 12 मंदिर है, जहाँ पे 12 शिवलिंग पूजा पा रहे हैं। शिव मंदिर में दर्शन और पादुका लेने के बाद मैंने मंदिर से बाहर आया। मंदिर से बाहर निकलते ही आपको लोकमाता रानी रश्मोनी की एक मंदिर देखने को मिलेगा, जिसका उद्घाटन 1955 में हुआ था। रानी रश्मोनी मंदिर से थोड़े आगे जाने के बाद आपको हुगली नदी देखने को मिलेगा। ऐसे माना जाता है कि गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे गंगा स्नान करते हैं और बोतल में गंगा जल भर के ले जाते हैं, क्योंकि इसको बहुत पवित्र माना जाता है। आदिगंगा नदी के किनारे आपको बहुत सारे साधु संत के स्टैचू देखने को मिलेगा। ये सब साधु सन्यासी दक्षिणेश्वर टेम्पल से दीक्षा लिए थे। थोड़े आगे जाने के बाद रानी रश्मोनी जी की घर देखने को मिलेगा। रानी रश्मोनी जी एक जमींदार के साथ साथ समाजसेवी भी थी। इन्होंने दक्षिणेश्वर काली टेम्पल का निर्माण किए थे। मंदिर के बाहर मंदिर के सामने एक लाइब्रेरी देखने को मिलेगा जहां सिर्फ मेंबर को ही अलाउड है, बाहर का आदमी अलाउ नहीं है। मंदिर परिसर में एक मार्केट भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ का जो सबसे फेमस चीज़ है वो है पीठा। यहाँ पीठा की 42 स्टॉल देखने को मिलेगा जहाँ साइज के हिसाब से इसका प्राइस 3 रुपीज़, 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ पर पीस है। आप चाहो तो यहाँ से खरीद के ले सकते हो। इस स्टॉल से थोड़े आगे जाने के बाद आपको पूजा के बहुत सारे सामान मिलेगा। चाट कुल्फी के साथ और भी बहुत सारे खाने की चीज यहाँ पर अवेलेबल है। मंदिर की लाइब्रेरी साइड में स्वामी विवेकानंद का एक स्टैचू देखने को मिलेगा। मंदिर परिसर में घूमने के बाद आप अपने लगेज और शू ले लीजिए। मंदिर और शू स्टैंड के साइड में आपको एक बहुत सा खूबसूरत सा पॉन्ड देखने को मिलेगा। दक्षिणेश्वर मंदिर परिसर के बाहर भी काफी बड़ी मार्केट है। मंदिर से बाहर निकल के थोड़ी देर जाने के बाद एक काला घोड़ा दिखा जहाँ पे उसके नाखून से रिंग बनाई जा रही थी। अगर एक पीस के लिए मैं पैसा नहीं दूँ। ये यहाँ का फेमस है ग्रीन कलर का। हाँ, ओके सर। संदेश रहता है उसको खाएंगे तो थोड़ा चिपक जाता है, ये चिपकेगा नहीं, ये खुल जाएगा। खाना मतलब क्या कारखाना से बनती है? हाँ, ये हम लोग बना नहीं पाते, इसका मिस्त्री अलग रहता है। और दूध डाल के बोलो ना दादा, कुड़ी का दूध डाल के उसको खीर बनाएगा, खीर बना के उसका फिर वो पूरा गाढ़ा करेगा, गाढ़ा करके उसका मतलब संदेश बनाने की उसको कड़क करेंगे मार मार के। उसके बाद तो उसको बड़ा भी है, बड़ा भी है, जैसा बोलिएगा वैसे बना के देगा। बड़ा बोलिएगा बड़ा देगा, छोटा बोलिएगा छोटा देगा, जैसा बोलिएगा वैसे। जैसे देखिए हम लोगों का तो छोटा दुकान है, तो बड़ा बड़ा बोलेंगे 10 रुपया कस्टमर भाग जाए, समझे ना। तो कम में वो कम दाम का कम ही लेगा, तो थोड़ा लेगा वो लोग कहीं सोचते, इसीलिए हम लोग इसको 10-15 पीस ले लेंगे। तो यहाँ पर खत्म होता है दक्षिणेश्वर काली मंदिर का सफर। सुबह को जाने के लिए यहाँ पे एस्केलेटर का व्यवस्था किया गया है। ओवरब्रिज के ऊपर में भी बहुत सारे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए सामान है। और एंट्री करते ही आपको बैठने के लिए भी 2-3 इधर बेंच रखा गया है बैठने का। दोस्तों, ये थी हमारा दक्षिणेश्वर काली टेम्पल टूर। मैं कोशिश किया हूँ कि मंदिर के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए।